नमस्कार दोस्तों, बेस्ट स्टेट इन इंडिया एंड गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि भविष्य में डिफेंस जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। आज का अपना टॉपिक है असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडिशमैन रिक्रूटमेंट रिलीज 2021-22 से रिलेटेड। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट हैं जो पिछले वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी तक है जो हमारा असम राइफल टेक्निकल और ट्रेडिशमैन रिक्रूटमेंट रिलीज 2021-22 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ना ही फाइनल कट ऑफ आई है और सर ना ही हमारे को ज्वाइनिंग दी है और हमारा लगभग सब प्रोसेस है जो पूरा हो चुका है, एग्जाम भी हो चुका है, फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चीज़ें हो चुकी है दोस्तों, लेकिन अभी तक हैं जो हमारे को ना तो ज्वाइनिंग दिया ना ही फाइनल कट ऑफ भाई। तो चलिए दोस्तों, क्या है वो असम राइफल का फंडा कि अभी तक हैं जो आपकी फाइनल कट ऑफ जारी नहीं किए। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो सकता है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो बीच में स्किप करने से आपको ये सारी चीज़ें और आपके सारे डाउट हैं जो समझ में नहीं आएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विश्लेषण के साथ चर्चा। तो दोस्तों आप ये स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे कि असम राइफल का ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जब आपकी रिक्रूटमेंट आई थी। तो दोस्तों ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस नोटिफिकेशन जारी होने की डेट ही जो 10 सितंबर 2021 थी दोस्तों, और ये नोटिफिकेशन जारी किया था असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2021-22 से रिलेटेड दोस्तों। और इस रैली के फॉर्म अप्लाई हुए थे जो 25 अक्टूबर से लगाकर 11 सितंबर तक हैं जो इसके फॉर्म भरे गए थे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट रैली या रिक्रूटमेंट निकल कर आती है तो इसके लिए पहला मेमोरेंडम तैयार होता है दोस्तों। जब मेमोरेंडम तैयार होता है तो इसके लिए रिक्रूट सेल की एक टीम गठित की जाती है। उस टीम में आईपीएस रैंक के या जे सी ओ रैंक के अधिकारी होते हैं और जे सी ओ रैंक के भी अधिकारी होते हैं, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रैंक के भी अधिकारी होते हैं, डिप्टी एस पी रैंक के भी अधिकारी होते हैं, कांस्टेबल रैंक तक का मतलब कर्मचारी होता है इसके अंदर। तो दोस्तों वो सारी टीम मिलकर के इसके लिए एक रिक्रूटमेंट सेल के नियम गठित करती है। और उस रिक्रूटमेंट सेल का नियम क्या होता है जो इस नोटिफिकेशन में दिया होता है दोस्तों, जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो इसमें अलग अलग बहुत सारे नियम दिए थे और 1230 पोस्ट थी जो इस रिक्रूटमेंट में टोटल पोस्ट थी दोस्तों बी एंड सी ग्रुप की दोस्तों। और दोस्तों इस रिक्रूटमेंट की अलग अलग स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट थी और अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग कैटेगरी वाइज ये रिक्रूटमेंट बांटी गई थी दोस्तों। और अब दोस्तों इस रिक्रूटमेंट में ये पूरा गठन होने के बाद में इन्होंने जो गवर्नमेंट भारत सरकार का रूल है जो ओबीसी को एज में छूट देना, एससी एसटी को भी एज में छूट देना यानी आरक्षण देना, ईडब्ल्यूएस को अलग से आरक्षण देना, ये सारी चीज़ें मैंशन थी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जब आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो इसमें एक नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 24 था दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका 24 नंबर पैरा। तो इसमें दे रखा था दोस्तों रिटन टेस्ट, द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल कंप्रिस्ट ऑफ द 100 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इज 35 एंड 33 मार्क्स फॉर एसटी एससी कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी जनरेटेड फ्लोइंग इंक्रीज इंस्टिव मार्क्स प्रोविजनली विच विल बी एड टू द नॉर्मलाइज्ड स्कोर द कैंडिडेट एनसीसी सर्टिफिकेट की 5 मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट के 3 मार्क्स, एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 2 मार्क्स। द बेनिफिट टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्ट देयर क्लेम्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन द कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल इन द पीईटी पीएसटी डॉक्यूमेंट रिटन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेट ट्रेड स्किल टेस्ट एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई ऑन द बेसिस ऑन देयर मेरिट इन द रिटन टेस्ट विल बी द अबाउट 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो दोस्तों जब आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो इसमें क्या लिखा था इन्होंने कि जब आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार होगी तो इस कट ऑफ के अंदर हैं जो आपके एनसीसी के नंबर हैं जो इंक्लूड किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दिया इस नोटिफिकेशन के अंदर जब रिक्रूटमेंट सेल ने ये नियम गठित किया था तो इसमें आपको बता दिया था कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट के 5 मार्क्स दिए जाएंगे, बी के 3 नंबर दिए जाएंगे और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 2 मार्क्स आपको बेनिफिट दिया जाएगा दोस्तों। जब आपका ये नोटिफिकेशन पूरा हुआ तो दोस्तों ये फॉर्म भरे जाने के बाद एक और नोटिफिकेशन इन्होंने पोस्ट बढ़ा करके जारी किया था जो नोटिफिकेशन किया था इन्होंने 10 सितंबर को दोस्तों। तो दोस्तों वो नोटिफिकेशन 10-15 दिन तक इसके ऑफिशियल साइट पर रहा, फिर बाद में इन्होंने एक और मेमोरेंडम जारी किया और बोला कि आपकी ये पोस्ट है वापस घटा दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन वापस जारी करके इन्होंने वो आपकी बढ़ी हुई पोस्ट और घटाई थी दोस्तों। घटाने के बाद आपका क्या हुआ था, फिजिकल के एडमिट कार्ड आए थे दोस्तों और अलग अलग इंडिया के अलग अलग सेंटर पर हैं जो आपके फिजिकल हुए थे दोस्तों।
तो दोस्तों जैसे ही आपका फिजिकल हुआ, फिजिकल होने के बाद फिजिकल में आपकी 5 किलोमीटर रनिंग थी, 5 किलोमीटर रनिंग क्लियर होने के बाद में आपका हाइट चेस्ट वेट हुआ, वेट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट हुआ था दोस्तों। दोस्तों जैसे ही आपका ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट हुआ था तो इसमें बहुत से कैंडिडेट थे जिन्होंने एनसीसी एक जिसके पास सर्टिफिकेट था तो उन्होंने एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया था दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आपका सब कुछ बढ़िया चलता रहा, सब कुछ सारा प्रोसेस क्लियर हो गया दोस्तों, जैसे ही क्लियर हुआ, जैसे ही नवंबर और दिसंबर 2 महीने फिजिकल चला और बीच में कोरोना की लहर आ गई, तो कोरोना की लहर आने के बाद में इन्होंने क्या किया कि फिजिकल पोस्टपेंड किया था दोस्तों, और लगभग 20 से 25 दिन आपका ये फिजिकल पोस्टपेंड रहा था, और उसके बाद आपका न्यू फिजिकल की डेट आई थी और आपका फिजिकल है तो मार्च और अप्रैल में कंप्लीट हो गया था एग्जाम, सब कुछ हो गया। अब ये एग्जाम कंप्लीट हुआ और उसके बीच में एक नोटिफिकेशन निकल कर आता है, तो वो नोटिफिकेशन क्या है तो चलिए पहले मैं वो आपको नोटिफिकेशन बताता हूँ, फिर बाद में आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों वो बीच में जो नोटिफिकेशन निकल कर आता है वो ये नोटिफिकेशन है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल शिलोंग, और आपके ये हेडक्वार्टर के नंबर है 7930010, ये पिन कोड नंबर है, और 12016 रिक्रूटमेंट कॉल 2021-22-93 नंबर मीमो नंबर है ये, और ये आपकी डेट ही जो 3 मार्च 2022 को ये मेमोरेंडम निकल के आता है दोस्तों। इस मेमोरेंडम में क्या दे रखा है, कोरिगंडम एडवर्टाइजमेंट ऑफ द आसाम राइफल टेक्निकल एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट के लिए 2021-22 के लिए ये है, और दोस्तों इसमें ये आपका जो मीमो नंबर वगैरह सारा कुछ है, आपका रिक्रूटमेंट जो निकली थी, आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उस नोटिफिकेशन का नंबर वगैरह सारा कुछ है जो आप पढ़ लेना दोस्तों, जो इन्होंने 10 सितंबर को जारी किया था। तो दोस्तों इन्होंने क्या दिया कि इट इज हैवरी टू इन्फॉर्म ऑल कैंडिडेट टू द रेड टू रेड द फ्लोविंग फॉर पैरा नंबर 24, यानी ये रिकॉर्ड है जो आपका पूरा कोरिगंडम मेमोरेंडम है जो आपका 24 पैरा का दिया रखा है, इसमें क्या संशोधन किया है इन्होंने, तो दोस्तों इन्होंने इसमें यह संशोधन किया है, रिटन टेस्ट द क्वालिफिकेशन पेपर द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल कंप्रीज ऑफ 100 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस कैडिनेट 35 एंड 33 मार्क्स एससी एसटी कैडिनेट एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी जनरेटेड फ्लोविंग इंस्टिव मार्क्स प्रोविजनली विच विल बी एड टू द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैडिनेट, यानी इसमें दे रखा था कि आपके एनसीसी के मार्क्स है जो नॉर्मलाइज ऐड किया जाएगा, जो नॉर्मलाइज मार्क्स क्या था तो मैंने पिछली नोटिफिकेशन बता दिया, और यहाँ भी दे रखा है एनसीसी सी सर्टिफिकेट 5 नंबर है, एनसीसी बी के 3 मार्क्स है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 2 मार्क्स है दोस्तों। तो दोस्तों सब कुछ बढ़िया चलता रहा आपका, और इन्होंने लिखा कि भाई डीएमई और पीडी और पीएसटी या डीएमई में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आप जो अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट है जो पेश कर सकते हो दोस्तों, लेकिन इन्होंने क्या किया रीड, यानी वापस इन्होंने संशोधन करके क्या लिखा है यहाँ पैरा नंबर 24 रिटन टेस्ट द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल कंप्रीज ऑफ द 100 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैडिनेट 35 मार्क्स एंड 33 मार्क्स फॉर एससी एसटी ओबीसी कैडिनेट द कैडिनेट हु आर सक्सेसफुल इन द पीटी पीएसटी ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट रिटन टेस्ट विल बी द शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द रिटन टेस्ट विल बी अटॉप 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंसीज, यानी दोस्तों इन्होंने ओनली फॉर लिख दिया कि बेसिस ऑफ देयर मेरिट लिस्ट इन द रिटन टेस्ट, यानी रिटन टेस्ट के ऊपर ही आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी, यानी आपके एनसीसी के नंबर है जो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे प्रोविजनली दोस्तों, ये हटा दिया। अब दोस्तों इन्होंने ये हटाया तो भाई इन्होंने ये नियम जोड़ा क्यों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये गलती इनकी है, क्योंकि दोस्तों फिर बाद में इन्होंने ये सुधारीकरण नोटिफिकेशन जारी किया था। अब इनके पास ये आदेश कब आया था, जब आपके एनसीसी के नंबर हटे या नहीं हटे, तो दोस्तों एक भारत सरकार ने मार्च में 20 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया था एनसीसी के रिकॉर्डिंग, तो वो नोटिफिकेशन क्या है पहले आपको वो नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों भारत सरकार ने ये नोटिफिकेशन है जो जारी किया था एनसीसी के रिकॉर्डिंग, ये नोटिफिकेशन आपका 20 अप्रैल 2020 को जारी हुआ था, और इन्होंने केंद्र सरकार और मोदी गवर्नमेंट और गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये मेमोरेंडम जारी किया गया था दोस्तों, और इसमें इंस्टीट्यू टू द एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर इन द रिक्रूटमेंट टू द स्टेट पुलिस फोर्स रिकॉर्डिंग, और ये आपका नोटिफिकेशन है जो एनसीसी के रिकॉर्डिंग है स्टेट पुलिस और सीएपीएफ के रिकॉर्डिंग पुलिस फोर्सेज रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये ऊपर वाला तो है जो स्टेट पुलिस के लिए दे रखा है, एनसीसी के बारे में दे रखा है कि भाई एनसीसी एक भारतीय सेना का संगठन गठन है जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स विंग सम्मिलित है, और इसकी स्थापना है जो 1948 में की गई थी और नेशनल क्रेडिट कोर के दोस्तों, और इसमें है जो आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर होगा तो उनको एनसीसी सी सर्टिफिकेट 5 नंबर दिए जाएंगे, एनसीसी बी के 3 नंबर दिए जाएंगे, एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 2 नंबर दिए जाएंगे। अब इन्होंने स्टेट पुलिस में तो ये दे रखा है सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज को ही ये नंबर दिए जाएंगे दोस्तों, 19-3-2020 को ये नोटिफिकेशन है जो इन्होंने यहाँ इश्यू किया था। अब दोस्तों नीचे चलते हैं, इन्होंने स्पेशलिटी सीएपीएफ के लिए एक
और न्यू मेमोरेंडम जारी हुआ था जो स्पेशल सीएपीएफ के लिए था दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन जारी किसने किया था? मोदी गवर्नमेंट टेक इंपॉर्टेंट स्टेप द इंक्रीज्ड एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर टू ज्वाइन पैरामिलिट्री फोर्सेज। यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन में नंबर कैसे दिया जाएगा? एनसी सर्टिफिकेट होल्डर गेट बोनस मार्क्स इन द अपकमिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी आने वाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, एसएससी से आती हो या यूपीएससी सीएपीएफ हो, एसएससी सीएपीएफ हो, एग्जाम फॉर द सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन सीएपीएफ। यानी कंबाइंड सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है, जैसे कंबाइंड सीएपीएफ की रिक्रूटमेंट आती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती है जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एसएसबी, ये सारी जो होती है सीएपीएफ के अधीन आती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेमोरेंडम आपका है जो मार्च 19, 2020 को इश्यू हुआ था और इसमें स्पष्ट दे रखा था इन ऑर्डर ऑफ द एचीफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजन इन इंक्रीज्ड पार्टिसिपेंट ऑफ द इंडियन यूथ इन नेशनल कैडेट कॉरपोरेशन एनसीसी, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह हैज टेकन एंड अंडर प्रेशर डिस्कशन टू गिवन एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर बोनस मार्क्स इन द डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन फॉर इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एज प्रिविलेंट इन आर्म पुलिस एग्जामिनेशन टू द प्रोविजन आर द बिलो। यानी दोस्तों इन्होंने दे रखा था कि एनसीसी सर्टिफिकेट 5 नंबर दिया जाएगा मोदी साहब ने और ने अपने भारत सरकार के गृह मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो मंत्री है अमित शाह जी ने ये आदेश जारी किया था दोस्तों। और इन्होंने कहा कि 5 नंबर है जो एनसीसी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, बी के 3 नंबर और एनसीसी के ए के 2 नंबर दिए जाएंगे। अब ये दिए किसको जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, दिस स्कीम ऑफ द अवार्डिंग बोनस मार्क्स एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर ऑन सीएपीएफ रिक्रूटमेंट विल बी अप्लाइड इन द अपकमिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी आने वाली सीएपीएफ की अपकमिंग रिक्रूटमेंट में एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल जीडी। अब मामला यहाँ आकर के फंस जाता है दोस्तों। अब गवर्नमेंट ने ये इश्यू किया जब इसमें मेमोरेंडम के अंदर इन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल जीडी तो लिख दिया। अब ये अपन लोगों की ये भर्ती है जो आसाम राइफल की, ये जीडी की रिक्रूटमेंट है नहीं, और ना ही इन्होंने इसके आगे और कोई दे रखा है कि भाई टेक्निकल हो गई या ट्रेडमैन की हो गई या डॉक्टर की, मेडिकल पैरामेडिकल की हो गई, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, या वेटनरी की रिक्रूटमेंट होगी, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं दिया कि भाई इसमें सब में बोनस अंक दिया जाएगा। बस इन्होंने यहाँ दे रखा है कि इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल जीडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड आल्सो अर्जेंट ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू मार्क सिमिलर प्रोविजन इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द रेस्पेक्टिव पुलिस फोर्सेज एंड एनेजमेंट एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर टू द जॉइंस देम। यानी दोस्तों इन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों। इन्होंने इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जीडी लिखा, साथ साथ में क्या अगर टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भी रिक्रूटमेंट निकलती है, इन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर नहीं लिखा। और इस मेमोरेंडम में आपके हो सकता है कि भाई अगर ये नोटिफिकेशन पड़ा तो इसमें है ही नहीं, तो इस हिसाब से क्या पता आसाम राइफल ने आपके एनसीसी सर्टिफिकेट के नंबर है जो हटा दिए हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही हो सकता है, इसी कारण ही है जो आसाम राइफल ने ये नोटिफिकेशन हटाया है। बाकी इसका जो ऑफिशियली मेमोरेंडम आएगा जब उसमें पता चलेगा कि किस कारण हटाया है। तो दोस्तों इसके कारण क्या हुआ कि एक हरियाणा के कैंडिडेट थे जिन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस लगा दिया। तो चलिए वो कौन है कैंडिडेट और किस कारण केस लगाया इस रिक्रूटमेंट के ऊपर, तो चलिए वो भी आपको बता देता हूँ, फिर बाद में करते हैं विश्लेषण के साथ चर्चा, बने रहिए आप हमारे साथ में। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही आपका ये मेमोरेंडम आया तो हरियाणा के एक कैंडिडेट थे जिन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी कि सर एनसीसी का नंबर पहले तो मेन नोटिफिकेशन में इन्होंने जोड़ा था और फिर बाद में हमारे को ये मेन नंबर है जो एनसीसी के नंबर है जो हटा दिए और हमारे को नंबर नहीं मिल रहा है, हमारे को इसकी फैसिलिटी या छूट नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ये कौन थे कैंडिडेट? तो ये आपकी न्यूज है जो जन जागरण अखबार होता है, न्यूज़पेपर होता है हरियाणा का, उसमें ये न्यूज़पेपर में आई है दोस्तों न्यूज। तो दोस्तों आर्मी रिक्रूटमेंट असम राइफल की भर्ती रैली पर हाई कोर्ट की रोक, किए जाने से 1200 पदों पर भर्ती। यानी दोस्तों आपकी 1200 पदों की रिक्रूटमेंट थी और इसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने असम राइफल भर्ती रैली पर रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के बीच एनसीसी का अंक न देने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ने याचिका दायर की गई थी जिस पर यह आदेश जारी किया गया है दोस्तों। अब ये आदेश जारी किसने किया, ये आरटी रिट है जो किसने लगाई है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, राज्य ब्यूरो चंडीगढ़ है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय कैडेट रुक और एनसीसी प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों को निर्धारित अतिरिक्त अंक न देने पर असम राइफल भर्ती रैली 2021-22 पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय व महानिदेशक डीजी असम राइफल से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है दोस्तों। और दोस्तों हाईकोर्ट के जस्टिस राजवीर सारावत ने यह आदेश चरकी दादरी निवासी दीपक कुमार द्वारा या दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। ये इसके ऊपर कट ऑफ है, इसके ऊपर है जो आरटीए है और ये मुकदमा दायर किया है
जो चरखी दादरी निवासी दीपक कुमार है दोस्तों। और यह दीपक कुमार भाई साहब है जो इनके ऊपर आरटीआई याचिका दायर की है दोस्तों। दीपक के अनुसार असम राइफल के जीडी ने असम राइफल के डीजी ने 16 अगस्त 2021 को असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन भर्ती रैली 2021-22 के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे दोस्तों। भर्ती प्रक्रिया में राइफलमैन, हवलदार, हवलदार से लेकर नायब सूबेदार तक विभिन्न रैंकों पर तकनीकी और ट्रेड कैडर के लिए लगभग 1200 नियुक्तियां की जानी थी। दीपक कुमार ने सामान्य वर्ग के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के तहत राइफलमैन कुक पद के लिए आवेदन किया था दोस्तों। और ये दीपक कुमार हैं चरखी दादरी निवासी भाई साहब, इन्होंने हैं जो कुकमैन से आवेदन किया था और ईडब्ल्यूएस वर्ग से थे ये लोग। और दोस्तों और क्या था, हर राज्य के अलग अलग रिक्तियां आवंटित की गई थी और याचिकाकर्ता ने हरियाणा कोटे के तहत आवेदन किया था दोस्तों। दीपक ने चयन प्रक्रिया में शामिल हुआ और सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया और अचानक मार्च 2022 में अधिकारियों ने मूल रूप से विज्ञप्ति चयन मानदंड में संशोधन कर एनसीसी प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों के लिए तय अंक खत्म कर दिए। जबकि भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था उस तो उसमें अनुसार चयन में एनसीसी प्रमाण पत्र रखने पर वालों को 5 अतिरिक्त अंक, बी के 3 अंक और ए प्रमाण पत्र धारकों के लिए 2 अंक निर्धारित किए थे दोस्तों। ये आपकी न्यूज़ थी दोस्तों। तो दीपक कुमार ने एनसीसी का सी प्रमाण पत्र था, इसके लिए उसे चुने जाने की बहुत उम्मीद थी। तो उसने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि कानून में ये स्पष्ट है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया जब शुरू हो जाए तो उसमें चयन के मानदंड में बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिकारियों ने चयन की प्रक्रिया के दौरान चयन के मानदंड को बदलाव किया कर दिया दोस्तों। याचिका दायर करने वाले का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि चयन की एक प्रक्रिया के बीच मानदंड में बदलाव उचित नहीं है, इसीलिए चयन प्रक्रिया को आगे की कार्यवाही पर रोक लगाना आवश्यक है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सभी प्रतिपक्ष को जवाब दायर करने का आदेश दिया दोस्तों। ये आपकी न्यूज़ थी दोस्तों। यह आपका पूरा फंडा था आसाम राइफल का दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या क्या कि आसाम राइफल ने अपने भर्ती रिक्रूटमेंट में एनसीसी के नंबर हटा दिए थे, इसी कारण चरखी दादरी निवासी दीपक भाई साहब थे जो कोर्ट में चले गए थे और उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी दोस्तों। अब बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि क्या सर इसी कारण ही हमारा है जो रिजल्ट में देरी हो रही है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आपकी इसी कारण है जो रिजल्ट की देरी हो रही है। हाईकोर्ट ने रिट याचिका पर इस रिक्रूटमेंट पर रोक लगा दी है दोस्तों, यानी आगे के प्रोसेस पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों जब भी आप किसी हाईकोर्ट द्वारा या किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी रिक्रूटमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट पर अगर रोक लगा दी जाती है तो आगे का प्रोसेस है जो हाईकोर्ट के अधीन होता है, जब तक हाईकोर्ट जवाब नहीं देता या याचिका पर पूरी सुनवाई नहीं होती तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों। तो दोस्तों अब आपका क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, मेरे हिसाब से दोस्तों हो सकता है अगर हाई कोर्ट की रोक लगी हुई है तो नेक्स्ट नेक्स्ट सुनवाई के बाद ही आपका हो सकता है ये कुछ फैसला होए। और हो सकता है अब ये फैसला किसके पक्ष में, एनसीसी के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो दोस्तों फिलहाल इसके ऊपर कोई चर्चा करने में कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ये कोर्ट का फैसला निर्णय अंतिम होता है दोस्तों, अपन फैसला करने वाले हैं नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके ऊपर कोर्ट क्या निर्णय देता है, अगर जोड़ेगा या नहीं भी जोड़ सकता है, अब वो भारत सरकार के ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अपने अपने पक्ष रखे जाएंगे अगर कैबिनेट के देखती हैं। और ये सभी का मामला है, एक का मामला नहीं है, क्योंकि अगर एनसीसी के नंबर जोड़े जाएंगे तो हो सकता है दूसरे बड़े कैबिनेट के कोर्ट में चले जाएंगे कि अगर आपने पहले तो हमारे को नंबर दिया, अब हटाया जब हमारा फायदा था। कई कैबिनेट का हटाने पर फायदा होता है, कई को नहीं हटाने पर फायदा होता है। अब दोनों का मामला ये है, अगर नहीं हटाए, अगर हटा देगा तो दूसरा बड़ा ये बड़ा कोर्ट गया है, अगर इसका जोड़ देगा तो दूसरा बड़ा कोर्ट चले जाएंगे ये मामला लेकर के। अब देखो ये भर्ती तो दोस्तों पूरी होना, मुझे तो लगता है कि 2023 में ये भर्ती पूरी होगी, अभी तो पूरी होने की कोई संभावना नहीं है। अब सुनने में ये आया है कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट है जो 5 फरवरी 2023 को दी है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, 1 साल बाद नेक्स्ट हियरिंग है, तो 1 साल बाद ये भर्ती का प्रोसेस मुझे तो नहीं लगता कि पूरा होगा। और हो सकता है अगर कोर्ट क्या निर्णय दे दे बीच में, अगर कोई हियरिंग की डेट नज़दीक चेंज हो जाए तो दोस्तों हो सकता है बीच में भी हो जाए कुछ फैसला। ये गवर्नमेंट का मामला है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको मैं एक ही सलाह देता हूँ कि आपकी कट ऑफ आए तो एक भर्ती के ऊपर इंतजार करने में कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसकी न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है, इसी कारण ही ये न्यू रिक्रूटमेंट है जो बहुत जल्दी आई थी। उनको पता था कि ये भर्ती कंप्लीट नहीं होने वाली, तो उनको न्यू रिक्रूटमेंट में जिनको इनको आवश्यकता थी उन कदों को लेना जरूरी था, तो इन्होंने एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बहुत सारी पोस्ट दे रखी हैं। तो आप उसकी तैयारी जरूर करें दोस्तों। और अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, जो कैंडिडेट है जो ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं और एक दूसरे को ग्रुप से बाहर कर रहे हैं एक दूसरे को किसी को कि आप इसमें ऐसे लिंक ना डालो, तो दोस्तों वो खुद ही भ्रष्ट है, वो खुद ही रिक्रूटमेंट भेज रहे हैं, उस वो खुद ही दलालों के चक्कर में फंसे हुए हैं। अपने को क्या वो शिक्षा देंगे, कोई शिक्षा नहीं देंगे ये, बस कुछ नहीं है, एक दूसरे को आपके लूटने का इरादा मचा रखा है। बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि भारतीय सेना में अगर आप नौकरी चाहते हो तो किसी दलाल के संपर्क में ना आए, ये दलाल आपको नौकरी नहीं दिला सकता।
बस आपकी मेहनत ही आपकी और आपकी योग्यता ही आपको सफलता दिला सकती है दोस्तों। अगर जो भी मेरे भाई दलाल के को पैसा देकर के भारतीय सेना ज्वाइन कर भी लेता है तो भाई साहब उसकी ज़िंदगी जीने में और भारतीय सेना की वो नौकरी कर रहा है, देश की सेवा नहीं कर रहा भाई। अगर आपको नौकरी करनी है तो रेलवे हो गया, अदर डिपार्टमेंट बहुत हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तो आपको नौकरी करनी है तो वहाँ जाइए यार। सेना में बस मेहनत वाले ही कैंडिडेट भर्ती होने चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और मेहनत से ही वर्दी की नौकरी है जो हासिल करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट कोई मुझे इसके बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा दोस्तों, और जब भी मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो डिटेल के साथ मैं आपको पूरा समझा दूंगा दोस्तों। तो चलिए, क्या था ये आसाम राइफल का फंडा, टोटल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं मांगता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।